इस लासा इस्लामाबाद दर सफर करी रहे हैं। आज बड़ी खास चीजा तुसा की दसिया सारिया ने अगे तक सो अफतारी ने सारा समान लगी गया माशाल्लाह बड़ी कोठियां ले लेकिन कोठियां ने अंदर जो नौकर काम कर रहे हैं जिन्हा की बड़ी बेइज्जती नाल ना ट्रैफिक जाम है टासा बाजार है बिल्कुल सेंटर ने विच जा ही रिया जनाब। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करना सा सारे वालों सो मैं इरफान जफर तुसा तक रहो कश्मीर टीवी। जनाबे वाला सा पिछली वीडियो माशाल्लाह तकियो सी के अंकल अख्तर किस तरह माशाल्लाह बच्चियां वास्ते शॉपिंग कीती है सारी और बच्चियां नी मनपसंद चीजा खरीदी के उन्हां की दित्तियां ने और कितना टाइम माशाल्लाह स्पेंड किया ने उन्होंने नाल ता के इदी पर उन्होंने की किसी चीज की कोई कमी फील ना हो। इसलिए असा इस्लामाबाद दर सफर करी रहे हैं। आज बड़ी खास चीजा तुसा की दसियां क्या कि शॉपिंग जड़िया ने बच्चियां नी ये हाले एंड नहीं हुई ते तुसा तकी सकने हो कि साढ़े नाल जनाब नसीब भाई ने माशाल्लाह फेमस नाथ खुआ किसा तारफ ने मोहताज नहीं और माशाल्लाह अजीम इंसान अंकल अख्तर फरिश्ता सिफत इंसान है अदा अगे बैठे। अंकल जी क्या हाल है, ठीक हो सेहत ठीक है? साढ़े व्यूअर्स नाल थोड़ा जा शेयर कर सो आज ना क्या प्लान है अंकल जी? आज ना प्लान है इरफान के हुन असां मीरपुर तो निकले हैं सवेरे सवेरे सुबह 10 बजे इस्लामाबाद जेडे बहुत से गरीब ऐसे लोग पिंडी इस्लामाबाद बड़ी गुरबत है उत्थे उत्थे बहुत बड़ी डिस्ट्रीब्यूशन है इस्लामाबाद हर साल करने हैं। उस बाद इंशाल्लाह अस पिंडी जैसा होलसेलर जो खिडौने से किन्ने होने बच्चे वास्ते खिडौने बच्चिया वास्ते उन्होंने जी ख्वाहिशन उन्होंने मुताबक खिडौने किसा। उस तो बाद असं जा सवाबी जरा सा दूसरा अशियाना है सवाबी बच्चे ना और उत्थे बच्चे ना अज इफ्तार कर सा और इफ्तार तो बाद इंशाल्लाह अज सवाबी तरावियां सड़ियां ना कुरान खत्म ही है तो वह कर सा इंशाल्लाह और बच्चे ना अच्छी जी मुलाकात कर सा उसे दसा। माशाल्लाह जी तुसा सारे प्लानिंग आज नहीं सुनी हो सी अल्लाह पाक खैर करा आज बड़ा जबरदस्त वीडियो होने ली है तुसा तकसो इंशाल्लाह के किस तरह सारी दिहाड़ी साड़ी स्पेंड होनी अंकल नूं एक्सप्लेन कर छोड़िया। माशाल्लाह जी तकने हो सो बड़ी प्यारी हस्ती अंकल अख्तर मेरे नाल मौजूद हैं लेकिन अंकल जी मैं तुसा स्पेशल एक सवाल पूछना चाहना वा कि आजाद कश्मीर तो मैं मनना वा कि काफ़ी गरीब एरिए लोग मोस्ट ठीक भी हैं लेकिन इस्लामाबाद साड़ा कैपिटल है अमीर तरीन एरिया वै इस क्या वजह वै डिस्ट्रीब्यूशन करने नहीं? अमीर सिर्फ इस्लामाबाद में नहीं है इसलिए अमीर हर जगह भी है तो सन ताऊ बटू जो अमीर है अमीर पर भी अमीर है लंदन में जो अमीर है इस्लामाबाद भी अमीर है लेकिन गरीब हर जगह पर ऐसा अक्सर ये देखने हैं कि बड़ी कोठियां ले लेकिन कोठियां ने अंदर जो नौकर काम कर रहे हैं जिन्हें कि बड़ी बेइज्जती नाल उन्हां दा बर्ताव होना है या जेडे झोपड़पट्टियां च रहने उन्हें पर नजर ना असा मार रहे हैं वो तो हर जगह है। इस्लामाबाद शायद मीरपुर तो ज्यादा गुरबत है। अच्छा, बड़ा शहर है कैपिटल है और लोग बड़े बड़े ग्रां और दूसरे शहरों को अच्छे अपनी किस्मत की आजमाने वास्ते नौकरियां करने वास्ते लौटने वास्ते है लेकिन इतने अच्छे हालात कुछ और होने और बेचारे तंबुओं च रहने उसे नाल रहने सड़कों पर रहने ये जो बैठे हुए लोग ना ये बहुत ज्यादा मुस्तहिक है बहुत ज्यादा शायद इन्हें कि एक वक्त का खाना भी ना मिलना होती अक्सर किसी दिन इन्हें की राशन हर साल अस देने और तुम तक क्या सबसे जो अच्छी चीज है कई साल तो राशन तकसीम करने हैं चाहे वो जलजला या सैलाब अच्छे या रमजान अच्छा है अस बाइज़त तरीके ना लोगों की बाले हैं कुर्सियों पर बाले हैं बिल्कुल पर 40 किलो ना वजन ना एक पैकेज है उन्हें ना रखने हैं दुआ करने हैं दुआ तो बाद वो अपना राशन चाहिए ले जाने किसी की इजाजत नहीं किसी ने फोटो लेना ठीक है और किसी ने तस्वीर लेना या वीडियो बनाना क्यों आज ये इस कुर्सी पर बैठे हैं और घर में भी हो सकना और तुसा भी हो सकना बेशक कोई शक और ये गरीब नहीं है ये साढ़े भैन भरा साढ़े बुजुर्ग साढ़िया तीया नहीं तो बैठी हैं अल्लाह ने लाठी बड़ी बेबाज है वो कुछ भी कर सकते कोई शक दुआ करो कि आज ये तो बैठे हुए कल आज ये लेने वाले कल ये देने वाले बने बस असन यही दुआ है बस मैं सर ये सा कमाल नहीं है सब तो पहले सर रब ने कमाल है अल्लाह ने कमाल है और दूसरा वो लोग जैसा कि डोनेशन देने ये उन्होंने कमाल है जो सर इतमाद करने ये बड़ा मुश्किल काम है तकसीम करना बाइज़त तरीके ना करना और मुस्तहिक लोगों तक ये सामान पहुंचाना बड़ा ही मुश्किल काम है। लेकिन इस्लामाबाद जे एक बड़े एरिए ने विच तुसा किस आइडेंटिफाई करी किन्ने हो के केड़े केड़े बंदे मोस्टली हर जगह विच हर शहर है साडे रजकार होने पर साडे पोर्टल है वेबसाइट होनी है लोग अप्लाई करने पर साडे रजकार वॉलंटियर जाने तकने भाई ये मुस्तहिक है। मैं तो एक गल खास दसा कोविड तो पहले असा कि नहीं से पता कि सफेद पोश क्या होना
गरीब बंदा ग्रां विच देवा हर बंदा जाना के बेवा है, यतीम है, गरीब है, उसकी जगह दियो। लेकिन वो बंदा जिसने अल्लाह ताला पर्दा पाया, जिसने नौकरी चली गई है, वो देने वाला थी और आज मंग ही नहीं सकना। भाई इसी तरीके ना उसकी इच्छा ना बाले, अगर अल्लाह ताला उसने पर्दा पाया तो असं उसकी कार जीता आराम नाल उसके राशन तकसीम करने हैं ताकि उसने वीजा टीर। सर बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह अंकल ने अच्छा गल्ला सुनियां। वाकई ये जिस तरह मैं आना होना कि एक फरिश्ता सिफत इंसान है, इस गल कोई शक भी नहीं कि हर साइड पर ख्याल रखना बहुत ही बड़ी गल है। ना सिर्फ आजाद कश्मीर तो बाहर भी निकली कहना तो ये ऑलमोस्ट हर जगह पे अल्लाह ताला इन्हें तौफीक दी है कि करन लगे हुए जितनी हो सकनी है माशाल्लाह तुम्हारे सामने ही है करन लगे। जैसा कि मैं अपने पिछले व्लॉग से दस्या कि 15 to 16,000 खानदान फूड पैक ना जरा ना इन्हें डिस्ट्रीब्यूशन इस रमजान किया और हर रमजान माशाल्लाह ज्यादा तो ज्यादा हो रहा ज्यादा ज्यादा ये सब प्यार है मुहब्बत है और सपोर्ट है माशाल्लाह कोर्ट की ये सारा कुछ पिहा लगे वै इंशाल्लाह हूँ डिस्ट्रीब्यूशन हो सी उस तो बाद असा अगर फिर इंशाल्लाह लिकड़ सा जो बच्चे ने खड़ाने ना वो तुसा कि दस सद बड़िया चीजा ना इस ब्लॉग आई जो अगे अगे असा पुजे राजा बाजार। अंकल जी हूँ फिर जनाब राजा बाजार माशाल्लाह के अंकल बच्चियां वास्ते किस तरह शॉपिंग कर सकते इस तो पहले कपड़े शॉपिंग तक की है बाकी चीजा ने लेकिन इतनी पर बच्चियां के खिडौने ने जरूरत होनी है माशाल्लाह वो भी तुसा हूं तक सोचा जरूर क्या कि किस तरह अंकल हो रही इंसान अज कितना ज्यादा जड़ा ना बिजी है और इतना ज्यादा रश है ना कि क्या ही बात है जनाब आज रश है ना तो खुद अंदाजा लाई के नो कि साढ़े बिहाइंड बिल्कुल ट्रैफिक जाम है तो अस बाजार बिल्कुल सेंटर ने भी जा रहा जनाब ये वाले लाल बैंड वाला जनाब असा खिडौने की बहुत बड़ी दुकाना आई गई तक अंकल और माशाल्लाह सिलेक्ट पे कर लगे खिडौने की एक बार बाय करके फिर सारे इंशाल्लाह जरा वे ना असा दस सा यह समान सारा बख बख होना जाना तकने पे जड़ा जड़ा अंकल पे सिलेक्ट करने जाने दो ये निकाले दो ये दो ये अलग अलग कलरों में ठीक है कोशिश करना कि इसमें येलो और येलो निकले ऑरेंज और येलो ठीक है दो ये हो गए 1800 कितने रंग में इसमें 18 साल पहले 19 साल पहले मैं शुरू किया सी ना ये दो जने निके निके सन कितने साल के थे जो भाई थे 2 साल का अब कितने साल के 20 साल का उस 2 साल निके जे मेरे को लाया थी 20 साल वाला ठीक है मैं 5 साल ये 5 साल का सी और उन कितने साल के 10 साल शुरू कराई ये उन कोर्ट से कम करना एम्प्लॉई है ये जो है कितने कलर है इसमें दो है चार ये निकाल लो ये ना निकालना ये पांच है ट्राली किधर रखी है ना ये रियल है इसे ठीक है ये निकाल लो 16.50 ये के गाड़ी है लेकिन ये भी बड़ी बड़ी है इसके अंदर भी डाल सकते हैं आप गाड़ी को चार दिन वाली लाइट में सुधरा एक मिनट ये चार ये निकाल दो दो कलर देखो जी बड़ा मुश्किल होना कि बच्चे जो है ना ज्यादा रिमोट कंट्रोल गड्डिया चलाने होने तो उम्र होनी उन्होंने नहीं 6 साल तो उपर कि दे सकने और निकिया गड्डिया तो बड़े लिया बड़िया गड्डिया ये भी रिमोट कंट्रोल क्या स्पेशल फीचर रिमोट कंट्रोल
और ये जो बैटमैन वाली है ये वही है, नीचे में बड़ी है वो बड़ी है वो कितने की? वो आपको मिलेगी 2600, उसको बड़ी चाहिए तो वो लगी 4200। अच्छा कितने रंग है इसमें यार? दो तीन 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 ये निकाल दो। 32 कितने रंग है? दो रंग है, दो रेड। आप 10 ये निकाल दो। अच्छा इस साल थोड़ा जहा इजाफी होया क्योंकि मीरपुर ना भी है ते सवाबी ने भी 100 बच्चे जेड़े ना वो भी हैं थोड़ा जहा असि हुन एक्स्ट्रा काम करना पी रहे हो तकने जाने ढेर लगना जाना मैं सारा अज कढ़ाने जेड़े ना अंकल होरी पता लगना कि पूरी दुकान जेड़ी है ना अज बेली करी छोड़ सा क्या क्या सवाबी ने बच्चे भी हैं ते कोर्ट ने मीरपुर ने बच्चे भी ते फिर तकने जाओ आज फिर माशाल्लाह लगना के ट्रक पूरा ही इत्थों जासी खड़ावणे आना माशाल्लाह हर एक खड़ावणे के अंकल चेक करी के तक्की के ते फिर वे बाय करन लगे ना डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल वैसे यार मनी कभी की चाहिए के ना बॉडी बन आप चाहिए निकाल दो माशाल्लाह अंकल जी इस शॉप पे चौंकियां आए उस शॉप पे छोड़ी क्या है जरा वो उस पासे गया ना निकिया से लेती है ना इतना माल नहीं सी कोई पुराना माल जो पिछले साल ना बदनसीबी है कि कुड़ियां ना बड़ा कट माल होना वो तो त्रै दुकाना फिरे उन काफी चीजें देखी ना अच्छा ड्रेसिंग टेबल के अंदर ਫਿਰ ਉਹ ਮੇਕਅਪ ਸੈੱਟ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਡੋਲ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਟੈਡੀ ਬੈਰ ਦੇਖਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂ ਇਹ ਨਾ ਵਾਸਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ अंकल जी सारी शॉपिंग डन हो गई है खड़ावणिया नी ओए आज रोजा से लगे है हां जी ये किस तरह इतने रोजा रखी क्या तुसा इतने किस तरह शॉपिंग करी केंदी है आज पता कोनी अल्लाह ताला हिम्मत दी सारे तो के गर्मी इतनी सी आज पखी नहीं सी और मुख्तलिफ दुकाना जाना पिया क्योंकि एक दुकाना विच या दो दुकाना जो समान नहीं सी मिली रहा क्योंकि बाहरों जरा समान इसलिए आना इतना नहीं है बड़े महंगाई हो गई है कंटेनर बड़े महंगे हो गए तो जो होलसेलर ने इतना समान नहीं आने तो फिर और मुख्तलिफ दुकाना जीते असर सिलेक्शन की अल्लाह किता हो गया गुजारा हो गया माशाल्लाह अंकल जी केड़े-केड़े खिडौने खरीदे ने और केड़े खिडौने तुसा कदे भी नहीं खरीदे अच्छा खिडौने बच्चे जड़े ने बच्चे ज्यादा लाइक कर रहे हैं गड्डियां गड्डियां रिमोट कंट्रोल कार ये वो इस किस्म ने चीजों लाइक कर रहे हैं ते जड़े ना वो पावर रेंजर वाले छोटे छोटे चीजा ये बच्चियां ज्यादातर गुड़ियां मेकअप सेट्स टेडी बेयर वगैरह या डॉल हाउस इस किस्म की चीजा पसंद करनी है तो उन्होंने वास्ते वो किंदे ते एक खिडौना जो अज तक मैं कदे नहीं जिंदगी किंदा और ना बच्चे ने दिता वो है पिस्तौल ठीक है कि बच्चों की जेडे खिडौने बचपन में तुसा उन्होंने दसो ना उन्होंने नजरिया और उन्होंने सोच उसने मुताबिक ही उसी जैसे बड़े होने जा रहे हैं तो पिस्तौल जी है ना वो एक बंदे ने दिमाग के जहन कोई चीज़ पानी है गलत पानी है तो इस वास्ते मैं अज तक पिस्तौल वगैरह इस किस्म की चीज़ जी है ना मैं अज तक बच्चों की नहीं दीती माशाल्लाह जी तुसा अंकल दी सारियां गल्लां सुनियां हुसैन अज गर्मी भी काफ़ी है और रश भी तुसा की पता कि राजा बाजार किया जाना लेकिन माशाल्लाह अंकल और हिम्मत है मैं समझना कि एक एक खिडौना खरीदना और मुड़ के पैक करना और हर बच्चे की चॉइस ना ख्याल रखना ये फिल्म तकना इतना ईजी है ना लेकिन अगर रियल जिस तरह अंकल और खरीदे ना असा ना ला बहुत ही ज़्यादा हार्ड है लेकिन माशाल्लाह हर ईद पर अंकल इस तरह बच्चों की खुशियां ने ख्याल रखना वो चाहे कपड़िया की गल आवे चाहे खिडौने की आवे या किसी तरह भी आवे ना अंकल हमेशा बच्चों की हर खुशी ना ख्याल रखना अल्लाह पाक इन्हें सलामत रखे इंशाल्लाह सारा सफर जड़ा वा इसलै शुरू है सुआबी वाली साइड ते इंशाल्लाह साड़ी अफतारी जड़ी है ना आए सुआबी उसी अल्लाह खैर कीती तो उत्थे भी जुलगे तुसा के व्लॉग दसने आ
आज दी वीडियो जनाब मैं कोलैब कर रहा टैप टैप सेंड ऐप ने नाल जेड़े भी माड़े व्यूवर्स है इन कंट्रीज ने विच माड़े चैनल की तकन लगे हो इस टाइम तुसा अपने प्यारियां की इस ऐप ने थ्रू घर बैठे हो जनाबे वाला पैसे सेंड करी सकदे हो और अगर तुसा माड़ा प्रोमो कोड यूज कर सो कश्मीर टीवी ने ना दू ते तुसा की 10 पाउंड फ्री लबसन माशाल्लाह जी कोर्ट नी साडी सेकंड ब्रांच तको हां हुण व्यू पिया करन लगे हां माशाल्लाह माशाल्लाह ते नजर मारो हाँ जेड़े बच्चे इत्थे हैं इसलै ठीक हो गया ना इंशाल्लाह तो आके ईद के कपड़े भी आ गए अभी मैं खिलौने लाया हूँ अब सुबह का मैं पिंडी में था इस गर्मी में आपके लिए खिलौने ले रहा था ठीक हो गया उम्मीद आपको पसंद होगा रिमोट कंट्रोल गाड़ियां कौन चलाता होता अच्छी लगती है ना जी सबको अच्छी लगती है जी फिर तो सबको देनी पड़ेगी मैं तो सिर्फ दो लाया था यार हाँ मैं दो लाया था वो आज क्या कर रहे थे अभी क्या कर रहे थे खेल रहे थे अच्छा क्रिकेट कौन ज्यादा खेलता है ठीक है लाहौर कलंदर वाले आ रहे हैं शाबाश नजर तो आपकी ठीक हो गई है अब कितने उंगली हैं ये दो है चले उधर खड़े हो जाओ देखा हैरी पॉटर बड़ा होता जा रहा है काफी बड़ा माशाल्लाह जी ये शुक्ला दिलाया से निका जा से बिल्कुल आई चूचा इसी केड़ी गजा दीती है बादाम पीसे हुए जा रहा माशाल्लाह यार बाल क्यों इतने छोटे कर रहे हैं आप माशाल्लाह तक ने उसो के इन्हां सारियां वास्ते जितनियां चीजां अंकल रोनां दियां सारियां टेबल लाई तो हुण इन्हां सबां की पे देण लगे वे और इन्हां ने खड़ावणे वाली गड्डी थोड़ी लेट हुई गई है वह भी आई रही है क्योंकि असां खड़ावणे नहीं निकले आए तो गड्डी साड़ी आई रही है वह भी इन्हां की माशाल्लाह दिते जा सर तक हाँ बहुत सारिया चीज़ा इन्होंने कपड़े वन बाय वन करके सारा कुछ पे देन लगे हुए इन्हें कि माशाल्लाह अपने अपने गिफ्ट ही नहीं क्या जनाब वाला सीधे अपने कमरियाने विच आए तो बच्चे चाहिए माशाल्लाह तक हाँ हूँ जनाब कोर्ट ने मैं साल मैं की आंदा वा एक बार पहले आया सही तैयार नहीं से हूँ तको हाँ माशाल्लाह इतना सारे बच्चे बह गए हूँ अफतारी कर सन अल्लाह ने फजलो करम ने नाल नज़र मारो हाँ सारिया ने अगे तकड़िया उसो अफतारी ने सारा समान लगी गया माशाल्लाह नज़र मारो हाँ माशाल्लाह मासूम बच्चे अल्लाह ताला उन्हें जिंदगी दें जड़े इस अदारे की सपोर्ट करने और अल्लाह ताला अंकल अख्तर की सलामत रखन जिन्हें इन्ह बच्चों ने सिरे पर हथ रखे आवे हमारे अदालत के चेयरमैन जो डॉक्टर साहब के साथ जिन लोगों ने
हलाल में बरकत और मुसल्ले ऐसा फराम हाँ जी जनाब हूँ तो थकी सकने हो गए बच्चों के कपड़े भी दिते उन्हें भी जूते भी दिते उन्हें की हर चीज़ दिती लेकिन सब तो जड़ी अच्छी चीज़ है ना जेने बच्चे पहली बारी स्वाभिन बच्चों की एक खिडौने मिले रहे तुम अदर अच्छी तरह दसो कि किस किस्म के खिडौने का इधर उचो अरबान दसो कि खिडौने पहली बारी बच्चे कि नहीं रहे अलहमदुल्ला और इन्हें की ये अमानत सी इन्हें दिती है और इतने खुश ने जिंदगी पहली बार ये जो खिडौने कि इन्हें की हूँ ईदी भी लेनी है क्योंकि मैं फिर चाहना होना ईदी पर तो हूँ मैंने की ईदी देने जुले हैं ताकि ईदी पर खर्च कर सकें इंशाल्लाह ये आपकी ईदी है क्योंकि मैं नहीं ईदी रहूँगा ना ये आपने फिर संभाल के रखने हैं ठीक हो गया अपनी अपनी मर्जी ना तको अंकल राम बच्चा की आख्या के वन बाय वन बच्चा अच्छी अपनी अपनी मर्जी ना तको खड़ावना ही नहीं गया जासी आ तको इतनी प्यार मोहब्बत पूरी दुनिया च कोई ला दुनिया विच जड़ा यतीम बच्चिया नाल करे के जिस तरह ये फरिश्ता सिर्फ इंसान अंकल अख्तर पे करन लगे वे रात ने 12 हो गए सवेला सरगी ले लिकड़े सन तक तकी के नो आले तक माशाल्लाह फुल एक्टिव हर बच्चे की अपनी चॉइस है केड़ा खिडौना इन्ना चाहना वे यो बच्चे सन जमाने ठुकराया उसी ना बच्चे की लेकिन अंकल अख्तर फरिश्ता सिर्फ इंसान नवी जिंदगी दी है इन्होंने बच्चों की एक और नवी जिंदगी माशाल्लाह हर बच्चे की चॉइस है डिफरेंट स्टाइल ने खिडौने का मौजूद है एक स्टाइल इतनी ऐसा को बच्चे जान लगे सारे चुनने भी अपनी मर्जी ने सिलेक्ट करने माशाल्लाह हर किसी में खिडौने आने ताकि इन्हें की यह ना हो अगर इन्होंने प्यो होने या माँ प्यो होने तो इन्हें के खिडौने अपनी मर्जी ने गिनने देने ली असा भी पसंद ने आते दिशा कसरी तकलीफ वही है गर्मी तकी है लेकिन अपनी जी पसंद सी ना वो आसानी है ताकि इन्हें की पसंद अच्छा है माशाल्लाह तको जी अंकल अख्तर कोई कमी नहीं छोड़ी इन्होंने खुशी ने बिच फिर फरिश्ता सिफत इंसान दुआ करो अल्लाह पाक साढ़े सिर पर इन्होंने साया सलामत रवे और ये अजीम इंसान अल्लाह ताला और सारे माशरे च पैदा होन ताकि फिर कोई बच्चा यतीम जड़ा ना ये सड़कों पर ना रुले किसी को कोर्ट ने ग्राउंड च मैं इसलिए मौजूद हाँ तो बिल्कुल नींदरा ने नाल टेने लावा सवेले सरगीले अंकल ने नाल निकले सा ते हूँ ही अंकल की आख्या कि हूँ असा नहीं तो बस है तो असा जुले सेने वास्ते लेकिन माशाल्लाह हले भी अंकल बच्चों ने नाल लगे खेडने पुछने खिडौने पसंद आने ने पसंद ते मैं आना कि इस दुनिया शायद ही इन्हें कोई अजीम इंसान हो सी कि जिन्हें अपनी सारी जिंदगी इन्ह बच्चों वास्ते ठीक है इंसानियत वास्ते सैक्रीफाइस करी छोड़िया तुसा और मैं इंशाल्लाह इन्हें वास्ते दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला इन्हें की सलामत रखन इन्हें साया हमेशा इन्हें बच्चों सर पर सलामत रवे सो वीडियो तक की उसी जरूर कॉमेंट करके दस है माशाल्लाह कि तुसी अज दी वीडियो जनाब की अजी लगी है वीडियो बनाने का मकसद ही है वह कि ये अजीम इंसान जिस तरह कम करी रहे इंसानियत वास्ते अपनी सारी जिंदगी की सैक्रीफाइस करके ये तुसाने नाल शेयर करना बड़ी जरूरी है स्पेशली कश्मीर ऑर्फन रिलीफ ट्रस्ट किस तरह ये कम कर रहे हैं किस तरह बच्चों ने ख्याल रखे रमज़ान शरीफ के एक्टिविटीज सन माशाल्लाह तुसें इन दोवों वीडियोज़ ने नाल काफ़ी मालूमात हुई उसी अपनी दुआ च रखे याद इंशाल्लाह मिलसा एक और नैक्सट वीडियो ने नाल।